हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग कई अनूठे कदम उठाते हैं। दूल्हे का हेलीकॉप्टर में बैठकर शादी करने जाने के मामलों के बीच राजस्थान में अनूठी बारात निकली है। दूल्हे समेत पूरी बारात रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर सवार होकर महावार गांव पहुंची। यह अनूठी बारात देखने के लिए लोग खास से उत्साहित नजर आए। रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर बरसों पहले एक गांव से दूसरे गांव आना जाना आम बात थी। एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन का यह साधन आम हुआ करता था। आधुनिक साधनों के अभाव में बारातें भी ऊंटों के तोड़ों पर ही जाती थी, लेकिन समय के साथ सब बदल गया। ऊंट की उपयोगिता कम होती गई और उसे लगभग बिसरा दिया गया। लेकिन पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर जिले में अब एक बार फिर कम खर्चे में ऊंट सुरक्षित आवागमन का साधन बना रहा। इसके बाद की बाड़मेर जिला मुख्यालय की दानजे की हौदी इलाके में देखने को मिली है। ऊंटों पर गई बारात इलाके में चर्चे का विषय बनी हुई है। पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर जिले के दानजे की हौदी निवासी मलेश राजपुरोहित की शादी महाबार में नारायण सिंह की बेटी सीता कंवर के साथ है। दूल्हे मलेश के मुताबिक उनके परदादा की इच्छा थी कि उसकी शादी परंपरागत रीति रिवाज से हो, इसी वजह से ऊंट पर बारात निकाली गई है। दूल्हे के पिता दल सिंह ने कुछ नया कर समाज को नया संदेश देने की बात सोची। वहीं दूल्हे मलेश के परदादा की इच्छा थी कि उसकी बारात पूरे परंपरागत रीति रिवाज से ऊंट से जाए। इसके बाद लग्जरी गाड़ियों को दरकिनार कर पूरी बारात ऊंटों पर सवार होकर महाबार पहुंची है। दूल्हे के पिता दल सिंह के मुताबिक जैसलमेर के सम से 20 ऊंट लाए गए हैं, जो प्रति ऊंट 11,000 रुपए खर्च होंगे। बहरहाल बाड़मेर शहर में ऊंटों पर यह शादी शाही पहली बार निकली है। ऐसे में बाड़मेर शहर सहित आसपास के गांवों के लोग शाही शादी में शामिल होने के शहर पहुंचे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए दूल्हा मलेश राजपुरोहित, इन्होंने ये कहा, ठीक है, ऊंट पे बारात निकलने जा रही है, कैसे 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 सोचा था और कैसे मानस बना? सर, जैसा कि आपको बताया गया कि दादाजी की इच्छा थी, तो इच्छा को पूर्ण करने के लिए पापा ने जो पुरानी संस्कृति को वापस अपनाया, ऊँटों पर बारात निकालने के लिए बहुत जोश और उल्लास है सब में। सर, लोग इन दिनों जिनके पास में पैसा है वो हेलीकॉप्टर पे बारात ले जा रहे हैं, आप तो रेगिस्तान के जहाज पे ले आए हो। सर, पुरानी संस्कृति को हम दोहराना चाह रहे हैं। रेगिस्तान का जहाज ऊंट, पहले बारात जाती थी ऊँटों पर, दादा परदादा वगैरह की बारात ऊँटों पर ही जाती थी। अभी गाड़ियों वगैरह में तो सब जाते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह तो सब करते हैं, तो हमने पुराने कल्चर को दोहराना चाहा। लोग कितने उत्सुक होकर देख रहे हैं इसको? लोग सर बहुत ही उत्सुक है और सब में बहुत ही उत्साह है। सर, आपने कभी ऐसा सोचा था कि भाई आप ऊंट पे जाओगे बारात? सोचा सर यूं था कि दादाजी की इच्छा थी तो पूर्ण करने के लिए पापा ने पहले बताया था कि ऊँटों पर बारात वगैरह, पुराना कल्चर वापस दोहराया जाएगा। गाड़ी के ऊपर, गाड़ी पे नहीं, ऊँट पे ही बारात पे जाएगा, भले इनका कुछ भी डस्ट वगैरह दिखते। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।